Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. Assalamu alaikum. Welcome to everybody. आज हम एक सेशन रखा है रोशन डिजिटल अकाउंट पे. अगरचे हम काफी लेट हो गए इसमें, तकरीबन साल से ऊपर हो गया है हमें. मतलब पहले होता तो अच्छा था, लेकिन उसका भी एक फायदा है कि अब लोगों के पास एक्सपीरियंस है. अब जो भी बात करेगा वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात करेगा, अपने जो जो उसने चीजें ट्राई की हैं उसकी बेस पे बात करेंगे. ठीक है, तो आई थिंक इट्स गुड. देर आया दुरुस्त आया हो गया, लेट हुए, लेकिन इसका भी बेनिफिट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला. तो हमने एक बेसिक सा थोड़ा सा बनाया हुआ है, मतलब इसका एक फॉर्मेट. तो बेसिकली तो ये शेयरिंग है, एक्सपीरियंस शेयरिंग है. अगर आप यूज फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि आप अपना ऑडियो अगर आप नहीं सुन सकते तो फिर अपना कनेक्ट करें वाया डिवाइस आउट ऑडियो. ठीक है, अपने आप को म्यूट रखें, अपना कैमरा भी ऑफ रखें क्योंकि ये वीडियो सेशन नहीं है. कोई चाहे तो, लेकिन उसमें यह है कि वो डिस्टर्बेंस होगी अगर एक दो बंदे ऑन करेंगे बाकी नहीं करेंगे. तो बेटर टू कीप कैमरा एंड माइक म्यूट. अच्छा, एजेंडा क्या है? एजेंडा सबसे पहले ये है कि जी रोशन डिजिटल अकाउंट है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या है, दूसरा क्या इसकी टाइप्स क्या क्या है, ज्यादा तो नहीं है वैसे, दो ही हैं. उसके बाद कौन से बैंक ऑफर करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं. ठीक है, इन सब के साथ साथ हम देखते जाएंगे कि एक्सपीरियंस क्या है लोगों का, जिन्होंने रखा है उनका क्या एक्सपीरियंस है, कैसा उन्होंने कैसे क्या चीज की है. तो स्लाइड्स का जो जितना डेटा है मैंने उनकी वेबसाइट से उठाया है, अपना स्टेट बैंक की, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है. बेहतर करें अपना ऑफ कर लें. अच्छा, तो इसमें जो है ना बड़ा सिंपल है. अगर आपको कुछ भी नहीं पता रोशन डिजिटल के बारे में तो आप सिंपल अपना ब्राउजर खोलें आप अपना. ठीक है, उस पर आप लिखें, मतलब जैसे मैं क्रोम खोलता हूँ अभी, आपको दिखाना चाहता हूँ ये चीज. लेट से मैं कहता हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये है क्या. मतलब ऐसे लोग मुझे मिले हैं जिनको बिल्कुल नहीं आइडिया था कि ये है क्या. तो आप लिखें स्टेट बैंक RDA. ठीक है, सबसे पहला जो पेज खुलेगा वही है आपके सामने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट खुलेगी. ठीक है, आपको मतलब यू हैव टू बी श्योर कि आप सही जगह पर ला देंगे. देखें ये उसका सबसे पहले, उसके अंदर आप देख सकते हैं उतने उनके ऑप्शन है, रोशन अपना घर अपनी कार, रोशन सामाजिक खिदमत, और इसके अलावा ये नया पर्सनल सर्टिफिकेट. स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं कितने कंट्रीज में चल रहा है, कितने अकाउंट्स ओपन हुए, कितने फंड्स हैं, और सर्टिफिकेट्स कितने के हो चुके हैं ना. तो ये सब एक आइडिया देने के लिए आपको. ठीक है, बाकी इसके साथ ही बाकी लिंक्स भी इसी पे हैं सारे. तो बड़ा सिंपल है इसको देखने का. तो अभी हम ऐसे कहते हैं शुरू करते हैं, पहले स्लाइड पे चलते हैं अपनी. रोशन डिजिटल अकाउंट है क्या? ठीक है, तो अब्दुल अजीम साहब आपसे स्टार्ट करते हैं. आप अपना बताएं एक्सपीरियंस इस हवाले से, रोशन डिजिटल अकाउंट जो है उसका क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब क्यों कोई इसको ले. अगर एक बंदे पास ऑलरेडी बैंक अकाउंट पाकिस्तान में है, वो सही चल रहा है, तो उसको इसकी क्या जरूरत है. थैंक यू वेरी मच आजाद. सो बेसिकली अगर हम ये देखें कि रोशन डिजिटल अकाउंट है क्या, इससे पहले अगर आप लोगों ने पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाए हुए हैं तो आपको ये आपने देखा होगा कि आप बैंक जाते हैं, बैंक में फिजिकल फॉर्म्स जमा करवाते हैं और उसके बाद अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं और उसके साथ आप अपनी सारी जो बाकी लवाजमात हैं सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं और फिर आपका अकाउंट खुलता है. उसके साथ साथ वो आप एज ए लोकल रेजिडेंट पाकिस्तानी अपना अकाउंट खुलवाते हैं और उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये होती थी जो हम ज्यादातर जो लोग बाहर रहते हैं उनको होती थी कि अगर आपने 6 महीने को ट्रांजेक्शन नहीं की तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता था. तो बेसिकली ये जो करंट गवर्नमेंट है इन्होंने एक स्टेप लिया है विच आई थिंक जो कि बहुत अच्छा स्टेप है एंड इट्स ए विन विन सिचुएशन. बेसिकली पाकिस्तान नीड्स फॉरेन एक्सचेंज और जो पाकिस्तानीज नीड एन इजी वे टू ओपन एंड मेंटेन एन अकाउंट. सो बेसिकली इन्होंने ये किया है कि एक ऐसा अकाउंट जो कि डिजिटली ओपन हो सके और ऑपरेट हो सके बगैर पाकिस्तान जाए, बगैर पाकिस्तानी फोन नंबर हुए. तो बेसिकली जो सिस्टम है इट रिकॉग्नाइजेस यू एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी और उसके बाद एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी आपका जो जो एड्रेस है वो भी बाहर का ही होगा रिकॉर्ड में, आपका जो टेलीफोन नंबर होगा वो भी इंटरनेशनल टेलीफोन नंबर होगा, यू डोंट नीड टू कीप पाकिस्तानी फोन नंबर विद यू
और जो द ब्यूटी इज कि इट्स नॉट ए डिजिटल अकाउंट, इट्स ए प्रॉपर अकाउंट. जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो आप बैंक जाके चेकबुक के जरिए कैश भी निकलवा सकते हैं. आप जो हैं एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड आपका होगा उसके थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं पूरी दुनिया में, जैसा एक रेगुलर नॉर्मल अकाउंट से होती है. तो ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि डिजिटली ओपन होता है और लेकिन फिजिकल अकाउंट है, इट्स नॉट ए वर्चुअल अकाउंट समवेयर हैंगिंग आउट देयर. तो ये है बेसिकली इसकी इसका बेसिक फायदा. अब कुछ क्वेश्चन ये है कि इसमें जो है पाकिस्तान मींस के जो हमें खुलवाने का क्या फायदा है, अगर हमारा ऑलरेडी एक अकाउंट है पाकिस्तान में तो फिर हम क्यों खुलवाएं. सो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपका अकाउंट पाकिस्तान में है तो वो आपने एज ए पाकिस्तानी खुलवाया हुआ है, आपने एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं खुलवाया हुआ. द बेनिफिट ऑफ रोशन डिजिटल अकाउंट इज कि जब आप इसमें पैसे डालेंगे तो आप जब दिल चाहे वो पैसे वापस भी बुलवा सकते हैं, वापस मंगवा सकते हैं. मींस के लेट्स से आपने $10,000 ट्रांसफर किए और आपने वहां पे इन्वेस्ट कर दिए किसी भी चीज में, हम इन्वेस्टमेंट पे बाद में आते हैं. और अगर आपको फ्यूचर में किसी स्टेज पे ऐसा चाहिए कि हम वो पैसे वापस बुलवा लें तो आप सिंपल वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिडीम करवा के और जो भी आपके अकाउंट में पैसे होंगे वो आप वहां से वापस ओवरसीज लेके आ सकते हैं, जो भी आपका लिंक्ड अकाउंट है उसके साथ. एक इसमें सिर्फ लिमिटेशन है, वो ये कि इस अकाउंट में जो पैसे जमा होंगे वो सिर्फ बाहर से आप भिजवा सकते हैं, पाकिस्तान से आप इस अकाउंट में पैसे जमा नहीं करवा सकते. और उसकी एक वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि इस अकाउंट में जितने पैसे होंगे आप जब दिल चाहे वापस बुलवा लें. इसलिए वो नहीं चाहते कि एक ऐसा चैनल हो जिसमें आप पाकिस्तान में पैसे जमा कराएं और बाहर निकाल लें. सो बेसिकली ये है इन शॉर्ट रोशन डिजिटल अकाउंट और उसके फायदे. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आई एम हैप्पी टू आंसर. नेक्स्ट पे चलते हैं. इसके अंदर इसमें एक लफ्ज यूज हुआ है एनआरपी, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी. तो किसी के जहन में होगा ये क्या है. वैसे तो मतलब जो भी हम बाहर हैं, सऊदीया में है या यूएई में है या कतर में है, जो भी बाहर जॉब्स कर रहे हैं हम सब उसमें आते हैं. लेकिन उसको उन्होंने डिफाइन भी किया है, वो डिफाइन कर देखेंगे आप अगली स्लाइड में. ठीक है जी. अच्छा, दो किस्म के अकाउंट्स हैं. इस पे जरा तलहा आप इस पे बात कर लें, फिर मैं अब्दुल जी मैं ये बात कर लें. अच्छा जी मेरा एक क्वेश्चन था. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आप पूछे कहां सवाल पूछते. जी जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जी आप कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान पैसे भेज सकता हूं, तो आई गेस कि वो डॉलर अकाउंट भी होगा और पीकेआर भी होगा. लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करके और आप चाहते हैं कि वापस मंगवाना. तो अगर मैं इन्वेस्ट डेफिनेटली मैं बाहर करूंगा, या मैं स्टॉक एक्सचेंज में करूंगा, या मैं प्रॉपर्टी में करूंगा, तो जब मैं उसको बेचूंगा तो फिर मैं उसको वापस तो अकाउंट में नहीं डाल सकता. तो देन हाउ कैन आई ब्रिंग द मनी बैक टू यू नो जहां पे रहता हूँ मैं. तो ये बात समझ मुझे नहीं आई. Let me take that question. So basically, मेरा ख्याल है कि इसकी थोड़ी तफसील में आप देखेंगे जब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे हम जाते हैं. लेकिन अगर let's say आपने सर्टिफिकेट्स खरीदे हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, इससे सबसे पहली चीज ये है कि आप जब अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको रुपी और डॉलर दोनों अकाउंट खुलवाने चाहिए, ताकि आप यहाँ से अगर डॉलर में ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं रुपीज में. और रुपीज में जब आप इन्वेस्ट करेंगे या डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे किसी सर्टिफिकेट्स में, तो आप जब उनको रिडीम कराएंगे तो पैसे वापस उसी अकाउंट में आएंगे. लेट्स से अगर आपने रुपी अकाउंट से इन्वेस्टमेंट की है तो रुपी अकाउंट में ही वापस आएंगे. और फिर उसके बाद बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, एक्चुअली इट्स वेरी वेरी सिंपल, जस्ट कपल ऑफ क्लिक्स अवे, और वो पैसे आपके वापस जो भी एक्सचेंज रेट यूज होगा उससे वापस आ जाएंगे. इस पे थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि आप फिलहाल अगर अपने क्वेश्चन को पार्क कर लें तो पहले आप ये समझ लें कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन सी हैं, और तो फिर मजीद इस पे अगर आपका कोई सवाल हुआ तो उस पे जवाब दे देंगे. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. अच्छा जी, ये दो टाइप्स के अकाउंट्स हैं, जैसे आपने लिखा फॉरेन करेंसी के हैं और एनआरपी के हैं. ठीक है जी, मतलब जो रुपये के हैं. अब कुछ बैंक्स में जैसे अभी उन्होंने बताया, कुछ बैंक्स में जैसे फैसल बैंक में अगर आप खुलवाते हैं डॉलर में तो आपको पीकेआर अकाउंट भी खोल देते हैं, लेकिन कुछ में आपको
दोनों खुलवाने पड़ेंगे या आप पीटीआर खुलवा सकते हैं, डॉलर दोनों ये खुलवा सकते हैं। लेकिन आपने डॉलर को यूज करना है पाकिस्तान में तो फिर आपको एक पीटीआर अकाउंट भी साथ चाहिए होगा। अच्छा बस मैं इस पे छोटा सा बात कर लूँ, ये नॉन रेजिडेंट है क्या वहाँ, अगर कोई भी बंदा एक साल के अंदर, एक कैलेंडर एक टैक्स ईयर के अंदर जो जुलाई से लेकर जून तक है, 30 जून तक, उसमें अगर वो 183 डेज 6 मंथ तक बनते हैं, उससे उसमें अगर मुल्क से बाहर हो तो उसको एनआरपी काउंट करेंगे, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी। इसका मतलब यह है अगर कोई पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान में रहता है और वो बाहर ट्रेवल करता रहता है लेकिन वो 6 माह से कम है या 3 माह करता है या, तो वो इसमें काउंट नहीं होता, ठीक है। या दूसरा इसमें लिखा हुआ है अगर कोई बंदा आउटसाइड है 120 डेज है उसकी लिमिट, अगर हाँ तो 4 महीने बनते हैं, अगर 4 महीने से ज्यादा उसका बाहर स्टे होता है और 8 महीने पाकिस्तान में होता है तो वो भी खुलवा सकता है। तो इस पे तो मेरा ख्याल है कुछ कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं वरना हम इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा मैं एक चीज थोड़ा सा इस पे क्लैरिफिकेशन दे दूं, ये जो बेसिकली एक होता है टैक्स रेजिडेंट और एक होता है वैसे रेजिडेंट, सो बेसिकली ये जो डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि अगर आप 183 डेज से ज्यादा पाकिस्तान में रहें तो आप जो हैं पाकिस्तान के टैक्स रेजिडेंट बन जाते हैं, विच मींस कि उस सूरत में आपको अपनी इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ता है। तो व्हेन इट कम्स टू रोशन डिजिटल प्रैक्टिकली All they need is, अभी जो आगे आप देखेंगे अगली वाली स्लाइड में, जो certain documentation है, basically what they need is your income and that's it. और आपका account खुल जाएगा। अच्छा जी, कौन कौन से banks offer करते हैं? इसमें जब start हुआ था तो 8 बैंक थे, 8 बैंक से start किया था उन्होंने, जो ये पहले 8 है, मिजान, फैसल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एमसीबी, बैंक ऑफ फलाह, हबीब, बैंक ऑफ पंजाब और यूनाइटेड बैंक। उसके बाद सेकंड फेज में उन्होंने, सॉरी इसमें से मेरा एक ये सांबा बैंक था, इनमें से एक बैंक ऑफ पंजाब से नहीं था पहले 8 बैंक। अब उसके बाद खैर 4 बैंक ऐड किए हैं जो बैंक हबीब, दुबई इस्लामिक, हबीब मेट्रो और बैंक ऑफ पंजाब इसमें ऐड हुए हैं। तो अब्दुल इंसान इसमें कोई बात करना चाहते हैं? ये बेसिकली डिपेंड करता है, इसमें आपने दो तरह के बैंक है, एक है इस्लामिक बैंक और एक है कन्वेंशनल बैंक। आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस किस्म के बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि फिर बाकी चीजें आपकी अकॉर्डिंगली डिटरमिन होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है और आपने सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस्लामिक या शरिया कंप्लाइंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट तब कर सकते हैं जब आपने इस्लामिक बैंक में अकाउंट खुलवाया हो, और अगर रेगुलर में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपको रेगुलर बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो वो इट्स योर चॉइस, वैसे हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। मैंने फैसल बैंक में अकाउंट खुलवाया था एंड सो फार आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, और जो है बाकी आई वुड लाइक कि बाकी जिनके दूसरे बैंक में है वो भी जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बेसिकली फैसल बैंक में जब मैंने अकाउंट खुलवाया तो मैंने डॉलर अकाउंट खुलवाया और उसके साथ उन्होंने रुपी अकाउंट खुद ब खुद खोल दिया। उसके साथ साथ मैंने रियाल अकाउंट भी खुलवाया था, मेरा रियाल अकाउंट का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं रहा, बिकॉज यहाँ से सऊदी अरेबिया से रियाल ट्रांसफर नहीं कर सकते बाहर आप, मींस आई डोंट नो, मेरा सैफ बैंक में अकाउंट है, आई एम अनएबल टू डू दैट। सो डॉलर ट्रांसफर करता हूँ मैं, और जो है डॉलर वहां पे मिल जाते हैं, उसका फायदा ये होता है कि आप डॉलर्स रखें अपने पास और करेंसी डिवैल्यू होने का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जब आपको जरूरत होती है अब आप रुपी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और रुपी या रुपी टू डॉलर कन्वर्जन भी सारी ऑनलाइन होती है, और जो रेट्स हैं वो आपको जो इस वक्त इंटरबैंक ऑफर रेट्स हैं नॉर्मली वो आपको मार्केट से ज्यादा बेहतर मिलते हैं। तो बेसिकली इट्स ए वेरी नाइस सिचुएशन टू बी इन, आप यू डोंट लूज एनीथिंग, यू आर एक्चुअली बेटर ऑफ कि आप करेंसी नोट्स लेके जाएं और वहां जाके रिप्लेस करवाएं, उससे बेहतर आपको रेट इस पर मिल जाता है। डॉलर की ट्रांसफर में थोड़े से पैसे कटते हैं लेकिन उसमें सर्टन ऑप्शंस हैं, कुछ बैंक्स हैं वो आपको वो देते हैं कि आप उनको लेट्स से सब बैंक में आप 50 रियाल दे दें तो वो इंश्योर करते हैं कि आपने जितने ट्रांसफर किए उतने ही पहुंचे हैं, तो तकरीबन $10-15 के करीब करते हैं उस सूरत में। बाकी अगर और बैंक्स में किसी का एक्सपीरियंस है तो मेरा ख्याल है कि शायद लोगों से थोड़े से सुने। मैंने एक देखा था कि एक क्वेश्चन किसी साहब का है, कुछ पूछना चाह रहे हैं। Oh my God,
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है, मुझे रऊफ ने भी इनवाइट किया है, एंड आई एम ग्लैड टू हियर अबाउट दिस योर जो रोशन डिजिटल अकाउंट की आपकी एफर्ट है। अच्छा, मेरे इसमें दो क्वेश्चन है, एक ये कि आपके जो बैंक्स हैं, क्या ये स्टेट बैंक से, जिस तरह मतलब अगर आपका यूएस में अकाउंट है, सो ऑल द अकाउंट्स आर एफडीआईसी सिक्योर्ड होते हैं अप टू लाइक $150,000, तो इसमें से क्या ये जो है आपका स्टेट बैंक इसको इंश्योर करेगा? सेकेंडली, समटाइम क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है वो फॉर किसी भी रीजन से, फॉर एग्जाम्पल ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनका अकाउंट फॉर किसी भी रीजन से, अगर क्या वो ब्लॉक हो सकता है या उसकी जो है इट कैन बी ब्लॉक फॉर एनी रीजन, अगर उसका ऐसा होता है तो उसमें फिर किस तरह से उसको जो है वो कर सकते हैं, मतलब रीइंस्टेट उसको कैसे किया जा सकता है, तो आप थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में? देखिए जो मैं मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में पता, आपका पहले क्वेश्चन के बारे में जो मुझे पता है, मुझे ये पता है कि पाकिस्तानी अकाउंट्स जो हैं उन दे आर सिक्योर्ड, बट जो जो सिक्योरिटी की लिमिट है वो बहुत थोड़ी है, 2.5 लाख रुपए है। लेकिन ये सारे के सारे बैंक्स दे वर्क अंडर स्टेट बैंक, जो जो उनकी प्रोसेसेस हैं जो उन्होंने किए हुए हैं, और उसमें ऑब्वियसली स्टेट बैंक ने सर्टन क्या कहते हैं उसको, इनकी मतलब सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं बैंक पे कि कितना कैपिटल होना चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर के जो लोगों के पैसे हैं बैंक के अंदर वो किसी भी वजह से वो एट रिस्क ना आ जाएं। तो ये तो पहली चीज हो गई। दूसरा, आपने ये पूछा था कि अगर अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो आपके पास बैंक की हेल्पलाइन है। This is just like a conventional account. Just call that helpline. आपको जब आप account खुलवाएंगे तो आपको एक relationship officer भी मिल जाएगा. You can talk to him if there is any problem. मुझे खुद शुरू में कुछ problems आई थी and they fixed it. तो just like a normal bank, just like a conventional bank. और ये जितने banks आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे conventional bank हैं जिनके आपको physical assets नजर आते हैं पाकिस्तान में। अगर आप जाएंगे तो ये सारे bank आप you can actually go into the branch and can talk to manager and can talk to people. इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। इसमें स्टेट बैंक जो है वो खुद इसको इनिशिएटिव को लेकर चला है, तो वो इसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इवन शुरू में जब सेशन हुए थे उसमें स्टेट बैंक का गवर्नर खुद बैठता था और उनकी अपनी टीम पूरी बैठती थी सेशंस के अंदर ना, जो उन्होंने किए थे बाकी दुनिया के साथ। तो उसमें शुरू में उन्होंने बैंक भी 8 चूज किए थे सिर्फ, ताकि जो अच्छे बैंक हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उन्हीं को चूज किया जाए। उसके बाद अभी भी आप देखें साल से ऊपर हो गया होगा, लेकिन 8 के बाद सिर्फ 4 बैंक ही ऐड हुए, हालांकि पक्ष में बैंक से ज्यादा है इस वक्त ना। तो वो उनके क्राइटेरिया है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। आई एम श्योर कि वो जो हमें नहीं पता उसके इंश्योरेंस के अमाउंट का क्या है, लेकिन वो आई एम श्योर उसको कवर किया होगा किस तरीके से। तो बहरहाल वो उसको मतलब वो रजा बाकर साहब जो है वो खुद इसको लेके बड़ा, वो तो पूरी टीम उनकी इन्वॉल्व है इसके अंदर ना, तो उसको वो काफी देख रहे हैं क्लोजली, और उनकी अपनी हेल्पलाइन भी है। अच्छा, दूसरी सर वो जो है ना बैंक का जो आरएम है आपका, वो बहुत यूजफुल है इस मामले में। हमें सर्टिफिकेट लिए थे नया पाकिस्तान के, मेरे जब मैच्योर तो उसका प्रॉफिट नहीं आया, तो मैंने लोगों से पूछा तो फिर मुझे नहीं कुछ जवाब मिला, तो मैंने उनको उसको मेल किया। विद इन अ डे जैसे मेरी मेल उसको पहुंची, उसे देखा है तो उसने मुझे जवाब दे कि इस पे काम कर रहे हैं, उसी दिन मेरा प्रॉफिट वापस मेरे अकाउंट में आ गया था। तो इट वाज दैट फास्ट अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई थिंक आरएम जो है उससे काफी बेनिफिट मिल सकते हैं इन छोटे छोटे सवालों से, छोटे छोटे जो भी मसले हों। एक और चीज सर मैं क्लियर कर दूं, हमारा तल्लुक किसी बैंक से नहीं है, हम लोग पर्सनल उस पर कर रहे हैं, हम जो मतलब एज ए कंज्यूमर कह रहे हम, क्योंकि हम किसी एक बैंक को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते, तो हम इसीलिए वो एक आपस में सेशन कर रहे हैं बैंक फ्रेंड्स के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, क्योंकि कई लोगों को सवाल है, जवाब देते रहते हैं, लेकिन बाद का फिर वही सवाल लोग दोबारा पूछते हैं 6 महीने बाद, 2 साल बाद, या 2 हफ्ते बाद। आपका अकाउंट किस बैंक में था, आपका क्या एक्सपीरियंस था वो बता सकते हैं? मेरा तो मिजान का था, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, तो आपका कौन से उसमें था? मेरा भी मिजान का था, मैंने नवंबर में खुलवाया था, कि मैं सितंबर अक्टूबर ये सितंबर में ही स्टार्ट हुआ था रोशन डिजिटल अकाउंट,
और मैंने तकरीबन नवंबर में अक्टूबर में मैंने पेपर वर्क वगैरह सारा अंडरस्टैंडिंग ली थी और नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने डॉलर अकाउंट खुलवाया था, उस टाइम पे ये था कि चेकबुक अवेलेबल नहीं थी, कि डॉलर अकाउंट से चेकबुक नहीं देते थे, कि वो सिर्फ ट्रांसफर था, लेकिन अब उन्होंने चेकबुक देना भी स्टार्ट कर दिया है कि अगर आपका डॉलर अकाउंट है तो आपको चेकबुक भी मिल सकती है। तो एज अ पाकिस्तानी हमें मुझे एक इशू होता था कि जी पाकिस्तान में जब पैसे ट्रांसफर करते थे तो नॉर्मली वो डिडक्शन वगैरह होती थी, यानी कि इतना अच्छा रेट नहीं मिलता था। तो अब ये फायदा है कि लेट से अगर मैं पाकिस्तान जाके विदड्रॉ करवाता हूँ तो डॉलर में विदड्रॉ करवा सकता हूँ और मुझे ओपन मार्केट से बेहतर रेट मिल सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, एक बात की थी ट्रांसफर रेट की, जब मैंने इनिशियल में ट्रांसफर करवाया था तो मैं बेसिकली यूएई से हूँ, तो यूएई से मैंने किया था, तो मेरा एमिरेट्स इस्लामिक बैंक में अकाउंट था, उसमें मैंने मिजान में ट्रांसफर करवाया था, तो दरहम टू डॉलर था, तो जो स्टैंडर्ड रेट है वो चार्ज हुआ था, प्लस $20 पर ट्रांजेक्शन चार्ज हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब मैंने अभी लास्ट टाइम करवाया तो $20 भी नहीं उन्होंने चार्ज किया। So, I'm not sure कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया है या यूएई गवर्नमेंट का कुछ था कि उन्होंने वो वेव कर दिया, सो इट्स अ गुड थिंग, यानी कि जो अमाउंट मैं यूएई से भिजवा रहा था वही अमाउंट पाकिस्तान रिसीव हो रही थी विदाउट एनी डिडक्शन, ठीक है। बाकी रिलेशनशिप मैनेजर असाइंड है और बहुत अच्छी सर्विस है, कभी भी कोई इशू हो मैं उसे ईमेल भेज देता हूँ और मुझे फौरन रिप्लाई आ जाता है कि ये जब स्कीम स्टार्ट हुई थी अपना घर और ये अपनी कार की तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो मुझे उसने क्लियर कर दी थी, ठीक है। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह मिजान बैंक का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज प्लीज बिलाल आपके कोई क्वेश्चन है आप बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं है, मैंने यही अपना फीडबैक शेयर करना था स्पेशली प्रीवियस स्लाइड पे कि उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि इस्लामिक बैंक अकाउंट्स और कन्वेंशनल अकाउंट्स, तो उसमें जो बैंक्स हैं वो आपके जिस तरह अल फला है वो आपको इस्लामिक भी ऑफर कर रहा है, मतलब अल फला बेसिकली इस्लामिक बैंक नहीं है लेकिन वो इस्लामिक बैंकिंग भी ऑफर कर रहा है। मीजान और फैसल तो वो प्रॉपर इस्लामिक ऑफर करते हैं, तो इस तरह बाकी बैंक्स जो हैं वो भी आपको इस्लामिक बैंकिंग में रोशन अकाउंट्स ऑफर कर रहे हैं। अगर कोई किसी और बैंक से इंटरेस्टेड है तो वहां पे चेक किया जा सकता है। और ये रिलेशन मैनेजर की बात हो रही है तो मीजान में बिल्कुल असाइन होता है और अभी रिसेंटली मैंने ओपन करवाया है, पहले डॉलर करवाया है फिर दोबारा सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के रुपीज ओपन करवाया, तो दो डिफरेंट रिलेशन मैनेजर असाइन हो गए हैं, यानी हर अकाउंट का सेपरेट मैनेजर असाइन हो गया है। लेकिन जो फैसल में जिसमें मैंने अपना खोला हुआ है वहां पे रिलेशन मैनेजर असाइन नहीं हुआ, तो मैंने हेल्पलाइन से चेक करवाया पाकिस्तान से के थ्रू, तो वो कह रहे हैं कि हम रिलेशन मैनेजर असाइन नहीं करते, आपको कोई क्यूरी है तो जो हमारी आरडीए वाली हेल्पलाइन है आप उस पे करें तो वहां से आपको केस ऑफिसर असाइन हो जाएगा। तो इसके अलावा आपने अगर डॉलर भेजे हैं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है डॉलर भेजने का? भी भेजे हैं मीजान में और वो भेजे थे यहाँ से रियाद बैंक के थ्रू, रियाद बैंक ने $25 चार्ज किए और मीजान ने जो स्विफ्ट कोड दिया हुआ था वो यूज किया है, लेकिन जो अमाउंट वहां पे रिसीव हुई है वो $50 उसमें डिडक्शन हुई भी है। सही है, समझ गए। तो वो भी ये है कि अभी जैसे वो बता रहे हैं अपना अब्दुल अजीम साहब कि सऊदी ब्रिटिश का तो अच्छा रेट है, तो मेरे ख्याल बाकी बैंक का भी पता करना पड़ेगा ट्राई करके, तो फिर ऊपर चल जाएगा कौन सा किसका बैंक अच्छा रिलेशनशिप है वहां पे, सबसे पहले आपका जो यहाँ का बैंक है वो पैसे काटता है, फिर उसके बाद जो आपका इंटरमीडिएरी बैंक है यूएस का वो भी पैसे काटता है और फिर उसके बाद यूएस से वापस पाकिस्तान जाते हैं, दैट्स व्हाई इट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर। अगर आप रुपए ट्रांसफर करें तो उसी वक्त हो जाते हैं जब, लेकिन डॉलर ट्रांसफर करें तो तकरीबन तीन से सात दिन लगते हैं पैसे पहुंचने में। जो सऊदी ब्रिटिश बैंक है उसमें दो तरीके हैं, एक तो आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन कर दें उसमें वो यूएस बैंक पैसे काटता है, दूसरा तरीका यह है कि आप उनको $50 एक्स्ट्रा पे करें ऑन टॉप ऑफ योर ट्रांसफर फी, तो वो ये इंश्योर करते हैं, वो कहते हैं कम से कम कि वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको पहुंचेगी जो आपके रेसिपिएंट अकाउंट है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो अगर आप रेगुलर तरीके से भेजें विदाउट पेइंग दिस 50 रियाल्स
तो वो तकरीबन $50 काट लेते हैं. अगर आप ये $50 पे कर दें तो तकरीबन $10 to $15 काटते हैं. एंड एवरी टाइम इट्स डिफरेंट, कभी 10 काटते हैं कभी 15 काटते हैं. तो मैं अगर लेट्स से $20,000 भेजूं तो मुझे 19,985 या 19,990 वहां पे रिसीव होंगे. ये जो सेकंड मेथड है ये वेबसाइट के थ्रू ही है कि ब्रांच के थ्रू है? नहीं, साहब तो वेबसाइट के थ्रू है, बाकी बैंक्स का मुझे नहीं पता यहाँ सर, लेकिन साहब की वेबसाइट है. अच्छा सनाउल्ला साहब, आपका कोई सवाल है? जी सर, ये मैंने भी अभी RDA अकाउंट खुलवाया फैसल बैंक में. तो इस्लामिक, जैसे आप कह रहे थे कि कन्वेंशनल भी है और इस्लामिक भी है, तो आई प्रेफर्ड इस्लामिक. तो मुझे भी काफ़ी मतलब स्ट्रगल करना पड़ा कि डॉलर्स कैसे भेजने हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मतलब एज पर देयर कस्टमर सपोर्ट जो फैसल बैंक का है RDA का, वो ये बोल रहे हैं कि भाई आपको मतलब एक्सचेंज या बैंक से भेजना पड़ेगा, यू हैव टू विजिट देम. I mean, you cannot transfer it through your online banking. तो इसी वजह से मैंने मतलब जब भी ट्रांसफर किया है अपने PKR अकाउंट में, जो RDA PKR अकाउंट है, और वहां से भी इंटरनली मैंने अपने $ अकाउंट में शिफ्ट किया है, क्योंकि जो आपके पास ऐप है फैसल बैंक RDA फैसल बैंक की, वहां से इंटरनली आप शिफ्ट कर सकते हैं जो करंट रेट चल रहा होता है. तो आई डोंट नो लाइक आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस है, आप यहाँ से जैसे भेजते हैं, क्योंकि मैंने पता भी करवाया इन केस अगर आप डॉलर्स भेजते हैं फॉर एग्जांपल अल उस्मानी एक्सचेंज से दुबई से, तो अगेन 20 या $25 उसके चार्जेस हैं, प्लस तकरीबन 60 dirham अल उस्मानी चार्ज करता है आपको, चाहे वट एवर जितने भी ट्रांजेक्शन हो आपकी ये फिक्स रेट है उनके. भाई आप दुबई से आप बता सकते हैं ज्यादा बेहतर. अच्छा मेरा एमिरेट्स इस्लामिक में अकाउंट है दुबई में, तो मैंने तो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन ऑलवेज की है. तो जब शुरू में $20 डिटेक्ट होता था पर ट्रांजेक्शन, लेकिन अब लास्ट टाइम जो मैं ट्रांजेक्शन किया उसमें नहीं हुआ, यानी कि उसमें $0 जो अमाउंट मैंने भेजी थी आफ्टर कन्वर्जन, और आपको पता डॉलर टू दिरहम फिक्स ही है, इतना कोई वेरिएशन नहीं है. एग्जैक्ट अमाउंट हुई थी कि मेरा दिरहम टू डॉलर कन्वर्ट हुआ था, क्योंकि किसी भाई ने भी मेंशन किया था कि शायद वो अलाउ नहीं करते रियाल टू डॉलर, बट मेरे गाइस में इट वाज वेरी सिंपल, डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की थी ऑन दैट साइड, कि मैंने किसी एक्सचेंज के थ्रू नहीं की थी ट्रांजैक्शन, नथिंग जितनी भी अभी तक ट्रांजैक्शंस की है. तो मैंने ये इशू नहीं फेस किया, सो सॉरी. जी जी प्लीज गो अहेड. हां तो आपका जो क्वेश्चन था कि थ्रू एक्सचेंज का, तो उसका मुझे सॉरी इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी मेरे सर्कल में सब ने बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस की है, किसी ने, क्योंकि इसकी जो आई एम नॉट श्योर कि ये एक्सचेंज टू कैसे, क्योंकि नॉर्मली इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि इनके बैंक की अपनी लिमिटेशन हो जो इनका बैंक है. नहीं नहीं, इनका ये जो एक बात कह रहे हैं ना कि इन्होंने थ्रू एक्सचेंज टू बैंक ट्रांजेक्शन की, दैट इज समथिंग स्ट्रेंज फॉर मी, क्योंकि नॉर्मली जो इसकी थी ना वो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन की थी जब ये स्टार्ट हुआ था. मे बी बाद में इन्होंने आप ये लेक्चर दे दी हो कि आप थ्रू एक्सचेंज भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट सॉरी मुझे इसके लेकिन वो बैंक टू बैंक मोस्ट प्रोबेबली वेरी करता है, क्योंकि जो हमारे कोर दूसरा ग्रुप है उसमें भी कुछ नहीं कहा था यार, अभी तक हमारे डिटेक्ट हो रहा है, किसी ने $25, $50, even $50 तक की बात की थी, ये UAE की मैं बात कर रहा हूँ. तो मैं कह यार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा इशू कोई नहीं फेस हुआ. So, ये bank to bank exchange to exchange ये वेरी करता है कि मेरा Emirates Islamic Bank में है, तो इस वक्त यानी सनाउल्ला आपका बैंक कौन सा है दुबई में? HSBC है सर जी. तो आप HSBC से पता करें ना पहले कि मुझे पाकिस्तान डॉलर भेजने तो मैं भेज सकता हूँ कि नहीं, फिर आपको अंदाजा हो थोड़ा सा. सही, लोग तो बैंक टू बैंक भेजते हैं तो मसला नहीं होना चाहिए. बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपने HSBC से डायरेक्ट PKR अपने मेजान बैंक में, जो कि एक नॉर्मल लोकल बैंक है वहां, मतलब RDA नहीं है, इट्स ए नॉर्मल अकाउंट मेजान बैंक में, तो वो मैं ट्रांजेक्शन करता रहा हूँ. जब RDA आया तो आई प्रेफर्ड RDA, और RDA के जब मैंने अकाउंट खुलवाया तो दोनों अकाउंट मेरे साथ में खुले, अपना PKR भी और $ भी. लेकिन काफी लोगों ने मतलब आई डोंट नो आप लोगों का कैसे एक्सपीरियंस है कि आप डायरेक्टली करेंगे वो रीराउटिंग में फंस जाएगी, बिकॉज देयर इज अ स्पेशल स्विफ्ट कोड वो आपको देना जरूरी है थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, यू कैनॉट, यू डोंट इवन ट्राई. मतलब मुझे इतना, मैंने अपने बैंक से बात नहीं की मैंने, लेकिन जैसे बता रहे हैं भाई कि उन्होंने डायरेक्टली अपने AED अकाउंट से $ जो RDA गए, मतलब जो करंट क्योंकि फिक्स्ड है 3.67, तो बगैर किसी चार्जेस के भाई आपको कोई चार्जेस नहीं लगे,
मतलब जैसे अभी जो रीसेंट आपकी ट्रांजैक्शन थी, जो रीसेंट में ट्रांजैक्शन थी उसमें 3.68 या 3.69 इन दो में से एक था, लेकिन वो फिक्स है, यानी 3.67 तो कभी भी आपको नहीं मिलता, 3.68 या 3.69 वो कन्वर्जन रेट लगा था और जीरो ट्रांजैक्शन लगा था। जो बात आप कह रहे हैं ना, ये आई थिंक मोस्ट लाइक अजम्पशन सॉरी है कि शायद कोई इशू आता है, ये तो नॉर्मल बैंक ट्रांसफर है कि ये तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप ठीक है थोड़ा बहुत उसमें है, आप एक छोटी अमाउंट ट्रांसफर करके देखें उसमें आपको क्या था, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी एग्जैक्टली यही किया था कि जब मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन की थी ना, छोटी अमाउंट की थी, तो उसमें मुझे क्लियर होता है $20 करता है, तो उसमें बहुत फील हुआ था मुझे कि यार छोटी अमाउंट में $20 इट्स अ बिग। एग्जैक्टली। अच्छा मैं थोड़ा इस पे थोड़ा ऐड कर दूं। मैं बेसिकली ये अभी तो रोशन डिजिटल अकाउंट से पहले भी मैंने डॉलर अकाउंट खुलवाया हुआ है और मैं तकरीबन 10 साल हो गया मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान में आप जब IBAN दे देते हैं तो then you don't actually need a SWIFT code or any other code, और मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमेशा ऑनलाइन बैंकिंग से ही ट्रांसफर किया है और डॉलर्स हमेशा पहुंचते हैं, थोड़े से दिन ज्यादा लग जाते हैं। एक आध दफा ऐसा हुआ है कि जो कन्वेंशनल बैंक है, जो रेगुलर मेरा मीजान बैंक में रेगुलर अकाउंट है, उन्होंने कुछ अपने चेक्स वगैरह के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा डेज रखा है और फिर मेरे से उन्होंने सोर्स ऑफ फंड्स मांगे थे तो वो मैंने दे दिए थे, लेकिन अदर देन दैट कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और आई डोंट सी एनी रीजन कि वो आपके बैंक से ऑनलाइन क्यों ना जाए, एक्चुअली इट मेक्स मोर सेंस कि आप अपने बैंक से ट्रांसफर करें, क्योंकि आपने जब RDA अकाउंट खुलवाया होगा तो आपने इसी बैंक का अकाउंट का नंबर लिंक करवाया होगा। जी बिल्कुल, मैंने HSBC का ही दिया था, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन जो फॉर्म्स वगैरह सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह उसमें मतलब सैलरी स्लिप दी थी प्रूफ ऑफ इनकम मुझे याद नहीं है। RDA में कोई मेरा एक साल हो गया जब से, बिल्कुल शुरू में जब खुला था तब से मैंने खुलवाया, नेवर फाउंड एनी प्रॉब्लम। मेरा फैसल बैंक में ही अकाउंट है और मेरा जो साब बैंक है बेसिकली इट इज HSBC का ही एक सब्सिडरी है और नेवर हैड एनी प्रॉब्लम। सर एक सवाल है मेरा, अगर मेरा सऊदी रियाल अकाउंट है तो मैं उससे भी डॉलर में भेज सकता हूँ, लेकिन जो अगला रिसीपिएंट अकाउंट है दैट शुड बी इन डॉलर्स, राइट? ऐसे होता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, आप सऊदी रियाल के अकाउंट से जिसमें मर्जी जिस करेंसी है मर्जी भिजवा दें, अगला जो अकाउंट होगा उस करेंसी में चला जाएगा। The only problem that I'm facing up to now is कि मैंने जो सऊदी रियाल अकाउंट खुलवाया वो सऊदी रियाल में नहीं जाता, बिकॉज इट डजंट एक्सेप्ट सऊदी रियाल करेंसी फॉर एन अकाउंट आउटसाइड सऊदी अरेबिया। वो अच्छा बैंक की लिमिटेशन है आपकी? गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। अच्छा ये खान के नाम से हाथ रेस किया हुआ है, चलें फिर आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात हो जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? इसमें ज्यादातर वो एक तो उनका ऑनलाइन फॉर्म होता है, इसके अलावा आईडी कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, प्रूफ ऑफ ये इकामा हो जाता है इसके साथ। अच्छा जो प्रोफेशन का प्रूफ और जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आप एक ही लेटर से हो सकता है जो आप कंपनी से ले सकते हैं ना, इसे कहते हैं ना इंट्रोडक्शन लेटर प्लस सैलरी लेटर, उससे भी बात बन जाती है। तो बिजनेस में हमारा तो कोई है नहीं, किसी का है तो वो बता सकते हैं, तो किसी को कोई सवाल है तो पूछते हैं। इसमें इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बैंक के अपने होते हैं, वो आपको कहते हैं जिनको भी फिल करके भेज दो, तो नथिंग कॉम्प्लेक्स थे, कुछ भी कॉम्प्लेक्स उसमें नहीं है ऐसा। जी किसी का कोई सवाल हो इस हवाले से बंद आगे चले। जी भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आप 2 या 3 पेजेस आते हैं उसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्डली सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाते हैं। इवन मैंने मुझे याद है कि सैलरी स्लिप या मेरे ख्याल से हाँ लास्ट जो मंथ की सैलरी स्लिप थी आई जस्ट अपलोडेड दैट और मुझे कोई इशू नहीं आया। हाँ एक जगह थी आई थिंक जो फॉर्मेटिंग वगैरह थी जहाँ एड्रेस डालना था वो कुछ स्पेशल फॉर्मेट में डालना था, पूरा एड्रेस डाल के देन I have given this space and then दूसरी लाइन से मैंने दूसरा वो किया, स्पेशल कैरेक्टर्स को कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था तो बार बार उसी पेज पे मुझे एरर दे रहा था। आई थिंक यू माइट हैव फेस द सेम इशू, तो उसको थोड़ा रीफॉर्मेटिंग करके जब मैंने दूसरी तीसरी दफा ट्राई किया
it was successful within 30 minutes I think I have taken for this thing or submit ho gaya tha lekin mera experience jo customer support ke saath tha that's horrible kyunki mujhe abhi koi bhai matlab mere khayal se tala bhai shayad discuss kar rahe the mujhe pehle pkr dono accounts saath mein khulne the aur pkr ki mere paas checkbook pehle aa gayi with the debit card aur jo us dollar ki us dollar account already khula hua tha lekin uski jo चेकबुक है वो मुझे फिर से रिक्वेस्ट करनी पड़ी आई हैव बीन सेंडिंग कपल ऑफ रिमाइंडर्स और एक बंदे का मुझे कॉल भी आया था उन्होंने बोला कि सर व्हाई यू आर रेजिंग ए कंप्लेन जस्ट कॉल मी डायरेक्टली मैं आपको मतलब आपको जो भी आपकी क्वेरीज है आई विल रिजॉल्व इट सो इट डिडंट हैपन द वे ही सेड इट तो मैं दो तीन कंप्लेंट्स रेज किए एंड फाइनली यस्टरडे माय मॉम रिसीव्ड इट इन पाकिस्तान तो I don't know Faisal Bank ka thoda RDA Faisal Bank ka thoda experience aisa hai ki they never give you any relationship manager you have to call them over and over again I mean just to get your query resolved acha Mohsin Khan aapka sawal tha I think I will add on this that I had the same experience with the Faisal Bank they initially assigned one RM However, whenever I try to contact him, he's on the emergency leave. So he always connect me with someone else. And then someone else takes at least 1 week to respond on WhatsApp or on call. If I call, he did not pick up. So it goes on. So last time when I had I was trying to get a property deal, it took me I transferred amount from here from Saab on 12th. So it took exactly 14 days, 26th August, it was credited into my account. And it was not USD. It was simple Pakistani rupees. And for this, I have to raise complaints here with SAMA, who is Saudi Monitoring Agency, there, over there as well, against both the banks. And till now, the complaints are there. I'm asking them for the compensation for this because this is something not, usual. Because the timeline given on the conditions and terms and conditions is not like that. So yeah, Faisal Bank is I did not have good experience. Mizan pretty much smooth. HBL pretty much smooth because they are not very much digital bank, but they are good enough. So I have dealt with these three banks. I would rate that go for Mizan whenever you. It is perfectly fine for all your needs, communication, contact, response. On the off working off day, if I transfer from SCC Pay from here, it takes 1 hour sometimes. Even within minutes, there is transaction in the evening which is gone through. Okay, thank you. I wanted to add my experience to. मेरा एक छोटा सा इसपे मैं मिजान में खुलवाना चाह रहा था. और लेकिन मेरा मिजान में वैसे ही जो मेरा रेगुलर अकाउंट है दैट इज मिजान बैंक तो जब मैंने उनसे पूछा मिजान बैंक से कि मैं अगर आईडी खुलवा लूं तो उन्होंने कहा कि जी हम एक ही आईडी नंबर के अगेंस्ट आपकी दो आइडेंटिटीज मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो जो आपका जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है वो भी ओवरसीज अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा सो दैट्स वाई फिर मैंने एक दूसरा अल्टरनेट बैंक देखा तो जस्ट बी केयरफुल कि जब आप अगर आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है मिजान के साथ तो नया खुलवाने से पहले हो सकता है मैं तो बिल्कुल जब नए आरडीए खुले थे उस वक्त बात कर रहा हूं दिस इज द रीजन कि वो बिल्कुल स्टार्ट था तो उनको खुद भी आईडिया नहीं था शायद मेरे ख्याल में हां एग्जैक्टली मैंने जब खुलवाया है मेरे पास ऑलरेडी था मुझे उन्होंने अलग खोल के दिया इसके साथ अच्छा और आपका लोकल सेम ऐप से मैं दोनों मैनेज कर रहा हूं ओके बिल्कुल ठीक है सर इसमें मैं ये ऐड कर दूं जब स्टार्ट हुआ था तो काफी चीजें क्लियर नहीं थी जैसे मैंने अपने एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब मैंने नवंबर में खुलवाया था तो उस वक्त डॉलर अकाउंट से चेकबुक नहीं दे रहे थे मिजान बैंक की बात कर मुझे दूसरे बैंक से आइडिया नहीं है लेकिन अब बाद में वो आपके डॉलर अकाउंट से चेकबुक भी दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान से डॉलर इन कैश करवा सकते हैं विच इज अ बिग थिंग अच्छा एक और चीज बताइएगा जिसका मिजान में अकाउंट है आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डॉलर टू रुपी या रुपी टू डॉलर अच्छा सर मेरा मिजान में है लेकिन मैंने कभी चीज ट्राई नहीं की मैंने हमेशा दरहम टू डॉलर अभी तक की है कि जो मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी रोशन सर्टिफिकेट में तो वो मैंने 1 ईयर के लिए बुक किया था तो अभी तक वो नवंबर में इंशाल्लाह मैच्योर होगा तो फिर मुझे कुछ चीजें एग्जैक्ट आइडिया आएगा सॉरी फॉर दैट मुझे डॉलर अकाउंट खुलवाना है इंशाल्लाह अभी तो मेरा पीके का अकाउंट है खाली
तो अच्छा मंसूद को कुछ सवाल है आपका, तो फिर ताले फिर आगे चलते हैं आगे। इस पर लास्ट ऑप्शन है रेस्टोरेंट पे। यहाँ पर क्या बता सकते हैं? इस्लाम वालेकुम। मेरे दो क्वेश्चंस हैं, एक कैन वी हैव मल्टीपल आरडी अकाउंट्स, और सेकंड ये कि अगर हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं वहाँ पे और कुछ अरसे बाद साल दो साल बाद अगर हमें सेल करनी हो और उसमें अगर कोई एप्रिसिएशन होता है, तो लेट्स से आपने 10 मिलियन या 20 मिलियन की ली थी और अगर कोई इसमें एप्रिसिएशन होता है, वो एप्रिसिएशन आप साथ लेके आ सकते हैं या बस अपनी जितनी आपकी आउटफ्लो हुई थी उतनी ही इनफ्लो हो सकती है बैकवर्ड, ये कोई अगर क्लैरिफाई कर दे। ऐसा है जी कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जो आरडीए अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें जितना प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा और जो कुछ आपके अकाउंट में होगा यू कैन टेक इट बैक। लेकिन लेकिन मेरे मेरे के मुताबिक ऐसा नहीं है कि आप जाके कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लें। So there are some, I mean, selected properties, but I'm not property की limitations है। Property जो है वो इसके जरिए ही खरीदनी पड़ेगी आपको, तभी आप कर सकते हैं। मतलब property ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बाहर market में खरीद लें और इसको use करें, वो नहीं कर सकते। Market properties के जरिए खरीदेंगे आप और जब वो बेचेंगे इसी के जरिए बेचेंगे और उसका वापस वो ला सकते हैं। ये उन्होंने बहुत शुरू में बताया था। लेकिन लेकिन एक चैन में रखें कि ये अभी भी ये शुरू किया था तो उसमें कम फीचर्स, कम थे, फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो चीजें इवॉल्व हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है कल को ये zameen.com के साथ भी अपना कोई अरेंजमेंट कर ले, मोस्ट प्रोबेबली और भी चीजों के साथ कर ले अपना अरेंजमेंट ना, तो इसमें चांसेस हैं कि ये बढ़ाएंगे उसको। और दूसरी बात आपने जो कहा मल्टीपल, आप मल्टीपल जितने मर्जी खोल लें सर। रिसेंटली जो रोशन अपना घर जो अनाउंस किया है उसके अंदर मैं किसी कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था, तो मेरी नजर से ये गुजरा है कि जो प्रॉपर्टीज आप खरीदेंगे और उसकी पेमेंट्स एग्जैक्टली डायरेक्टली थ्रू जो है उसके आपके पास फंड्स का प्रूफ होगा कि हाँ जी ये चैनल से आपने एग्जैक्टली ये पेमेंट्स की हैं, तो आपको उसको रिपैट्रिएट करने की इजाजत होगी। लेकिन वो आपको ट्रेल जो है वो देनी होगी कि आपने उसी रोशन अकाउंट से ही हुई है, आरडीए अकाउंट से आपकी पेमेंट्स हुई है, उसके लिए वो टोकन उसके अंदर लिखा हुआ था, मैं इवन पढ़ रहा था कि इवन आपको अगर टोकन भी पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी आप डायरेक्टली उससे करें। साल दो साल बाद अब मैं भेजता हूँ, तो क्या बैंकिंग चैनल्स की रिक्वायरमेंट ये कि सिंस यू हैव ट्रांसफर 20 मिलियन आप 20 मिलियन ही लेके जाए या डॉलर इक्विवेलेंट लेके जाएं अगर डॉलर था, या कैपिटल गेन भी लेके जाएं? आई थिंक इसमें कुछ टाइम लगेगा जैसे शहजाद भाई कह रहे हैं। नहीं नहीं ये क्लियर है, इसमें कोई लैक ऑफ क्रेडिट नहीं है। व्हाटएवर कैपिटल गेन यू हैव यू कैन ब्रिंग ऑल ऑफ इट बैक। ओके परफेक्ट, गुड गुड, थैंक यू। इसमें कई नई चीजें वो डाल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ना, क्योंकि जो यूएस के लोग हैं उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं कनाडा यूएस में, उनके लिए भी इसमें कभी कई चीजें वो ऐड कर दें। इनहेरिटेंस का भी कर सकते हैं, इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी या उसका भी वो ऑप्शन भी दे दें इस तरह के ना, तो काफी चीजें आ रही है। मेरा ख्याल यही है कि प्रॉपर्टी का जो है ना जो आपका ऊपर वाला है वो आप वापस ला सकते हैं। मतलब ये भी ऑप्शन दी थी, मेरा ख्याल है याद पड़ता है, मैंने सेशन अटेंड किया था उनका, गवर्नर का खुद था, उसमें उन्होंने कहा था कि जी आपने अगर कोई आपके जो जो मतलब आपने किया है प्रॉफिट और जो है कैपिटल दोनों आप वापस ला सकते हैं, तो यही आपका सवाल है ना, तो वो है इसमें ऑप्शन है। लेकिन वह बात वही है कि इसमें वो ये नहीं चाह रहे कोई कोई इसको यूज करे किसी और काम के लिए ना, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान से बंद किया हुआ इसका वो डिपॉजिट वगैरह करना। वो तो शायद भाई बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि फिर तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग का मुंह आप खोल देंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का खोल देंगे, वो तो फिर बहुत ज्यादा मसले है उसके अंदर। आई बीइंग अ बैंकर आई कैन अंडरस्टैंड, आई बीइंग एन ऑडिटर कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। लेकिन जो मुझे पता था शुरू में डीएचए के साथ था, शायद इसमें और भी ऐड करते हैं। या इस तरह से कुछ है मेरा ख्याल है,
स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स है सर, इसमें जिस तरह पैरागॉन का था इसी तरह डीएचए का एक और थर्मलाइजेशन से निकल गई है। तो बेसिकली डीएचए लाहौर की दो प्रोजेक्ट्स है, एक पैरागॉन था पैरागॉन अपार्टमेंट्स और एक और था मुझे उसका सॉरी इस वक्त नाम नहीं आ रहा। तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स थे लेकिन ये बहुत स्टार्ट में था, अब ये कंटीन्यूअसली ऐड करते जा रहे हैं। मैंने खुद लेटेस्ट लिस्ट नहीं देखी लेकिन जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब ये दो थे प्रोजेक्ट डीएचए लाहौर के। अच्छा, और कोई यहाँ पे बता सकता है कि किस बैंक की सबसे लीस्ट ट्रांजेक्शन है ट्रांसफर करने के लिए डॉलर्स? अच्छा, मैं यूएई से हूँ तो मैं तो प्रेफर करूंगा एमिरेट्स इस्लामिक बैंक टू मिजान बैंक, क्योंकि मैंने बताया कि अब मुझे जीरो ट्रांजेक्शन पर ही है, जीरो ट्रांजेक्शन फीस, सिर्फ जो कन्वर्जन रेट है वो स्टैंडर्ड है, वो हर जगह से आपको सेम ही मिलेगा। तो मेरा एक्सपीरियंस एमिरेट्स इस्लामिक बैंक यूएई टू मिजान बैंक बहुत अच्छा रहा है कि दो टू वर्किंग डेज में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। सर अभी जो पूछा था ना, ये देखे ये इनकी वेबसाइट पे रोशन अपना घर जो नया शुरू किया है इसमें देखे ना, ये दिखा हुआ है चॉइस ऑफ प्री अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स, ये रियल स्टेट के अलावा है, ये अपना घर का नया शुरू किया इन्होंने, तो उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपका कोई है। ये इसमें काफी लिखा हुआ है, इसको देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे देखें, फिर आप अपने उससे पूछ सकते हैं जो आपका अकाउंट मैनेजर होगा। अच्छा, इस पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मेरा जो लोकल अकाउंट है मिजान बैंक में उनके मैनेजर से मैंने पूछा है कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, इंश्योरेंस का क्या है। सो एज पर एज ही कंफर्म, उन्होंने बोला कि 1% प्लस मतलब 1% प्लस काइबोर, काइबोर तकरीबन 7% है विच इज इक्वल लाइक विच वुड बी 8, और 1.99% इसकी इंश्योरेंस की है विच वुड बी इन टोटल वुड बी 10। तो आई डोंट नो आप लोगों को किसी को कोई इंफॉर्मेशन है कि टोटल हम लोग कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? अगर तो आप फाइनेंसिंग लेते हैं तो देयर आर टू ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन ये है कि आप काइबर प्लस कर लें, टू माय नॉलेज इट्स 1.5% नॉट 1%, और दूसरी ऑप्शन ये है कि जो आपके जो 5 इयर्स के बॉन्ड्स हैं उन पे जो रेट चल रहा है वो आप फिक्स करवा सकते हैं। इफ यू वांट फिक्स्ड रेट तो 5 इयर्स पीआईबी, और वेरिएबल के लिए अगर आप चाहते हैं तो देन इट्स काइबर प्लस 1.5। लेकिन काइबर हमारे कुछ आइडिया है क्या चल रहा है? तकरीबन आई थिंक 7.2-7.3 के करीब है, ये कराची इंटरबैंक ऑफर रेट है। जी 7, हाँ मुझे भी तकरीबन 10 दिन पहले, और इंटरेस्ट जो इंश्योरेंस का बताया 1.99 बताया उन्होंने, आई डोंट नो क्योंकि इसमें इंश्योरेंस भी कवर होगा। और आप सही कह रहे हैं कि अगर फ्लैट रेट रखें तो दैट वुड बी डिफरेंट। बिल्कुल, लेकिन मोर और लेस अगर इस स्टेज पे आप देखें तो मैं मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पीआईबी 5 ईयर बॉन्ड है वो तकरीबन 9.2-9.3% के करीब चल रहे हैं। तो मोर और लेस आप अपनी इंटरेस्ट पे फाइनेंसिंग मिलेगी। जी एक और आंसर मैं देना चाहता हूँ, किसी भाई ने पूछा था कि इंटरनली हम ट्रांसफर कर सकते हैं पीकेआर टू यूएस डॉलर एंड यूएस डॉलर टू पीकेआर, आई थिंक दैट वाज द क्वेश्चन। तो ये मैंने ट्राई किया है ऑलरेडी अपने जो रोशन डिजिटल फैसल बैंक का है, इंटरनली वहाँ आपकी ऐप में ही ऑप्शन होता है जो आपके उस वक्त का जो रेट चल रहा होता है यूएस डॉलर का, दैट्स व्हाट आई डिड, पीकेआर से मैंने यूएस डॉलर में ट्रांसफर किया। आई नेवर ट्राइड लाइक आई मीन शिफ्टिंग इट बैक टू पीकेआर, बट इट वर्क्स। या नहीं, फैसल बैंक में तो मैंने दोनों ट्राई किए हैं, फैसल बैंक में तो सब कुछ होता है, पीकेआर टू यूएस डॉलर, सऊदी रियाल, हर चीज हो जाती है। माय क्वेश्चन वाज कि क्या मिजान में भी ये कर सकते हैं कि नहीं ऑनलाइन? जी ऑनलाइन में मेरा एक्सपीरियंस, समबडी विद मिजान बैंक एक्सपीरियंस। हां जी, मेरा मिजान में है, मिजान में मेरा आरडी यूएस भी है और पाक रुपीस भी है। तो जो मैंने यूएसडी टू पाक रुपीस तो किया है, पाक रुपीस टू यूएसडी मैंने ट्राई नहीं किया, और ओवरऑल एक्सपीरियंस मिजान का अच्छा ही रहा है, उन्होंने मेरा आरएम भी कंबाइन कर दिया था दोनों अकाउंट्स का। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी का कोई एक्सपीरियंस क्रेडिट कार्ड वगैरह लेने का या मास्टर कार्ड वगैरह लेने का बेस्ड ऑन द आरडीए अकाउंट, और क्या उसको वो डिफरेंट इंटरनेट ट्रांजेक्शन में ट्रांसफर वाइज वगैरह में यूज किया है किसी ने? आप डेबिट कार्ड का पूछ रहे हैं या क्रेडिट कार्ड? डेबिट कार्ड हो या फिर मास्टर कार्ड हो, किसी ने बनवाया हो और वो फिर अगर उसका कोई एक्सपीरियंस है। आई थिंक दे आर नॉट ऑफरिंग दैट। नहीं, क्रेडिट कार्ड तो ऑफर नहीं कर रहे इसमें ना।
और लेकिन फिर मेरा ये हुआ था कि मैंने कोई ट्रांजेक्शन करनी थी ट्रांसफर वाइज से रिलेटेड, तो जब मैंने मिजान से चेक किया तो मिजान ने कंफर्म किया कि क्वेस्सी कैश को वो परमिट नहीं करते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि किसी का एक्सपीरियंस हो किसी और बैंक से उन्होंने ट्राई किया हो तो वो अगर शेयर कर लें। आप ऑनलाइन मींस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, फिजिकल ट्रांजैक्शन की कार्ड को यूज करना नहीं? चलें अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम और एक्चुअली मैंने अभी पिछले दिन ही वाइफ को भेजा, वहाँ पे मेरा आरडीए मिजान में अकाउंट है एंड आई हैव द डेबिट कार्ड, मैंने यहाँ पे मंगवा ली थी चेकबुक और डेबिट कार्ड इनका। तो व्हेन माय वाइफ वाज जस्ट गोइंग टू द पाकिस्तान सो जस्ट जस्ट गिव हिम द गिव हर द डेबिट कार्ड और अब सारी ट्रांजेक्शन जितने भी होती हैं वो वहाँ से मैं यहाँ से ट्रांसफर करता हूँ, वहाँ से वो निकलवा के दे आर यूजिंग दैट डेबिट कार्ड without any hesitation or without any problems. So, इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि मतलब कार्ड आप ऑनलाइन यहीं से मैनेज कर रहे हैं बैंक अकाउंट और एनी ट्रांजेक्शन और आपके रिकॉर्ड भी आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही है और वहां से आपकी फैमिली उसको एज अ यूज कर रही है। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस था। तो उनको रेट तो सही मिलता है क्योंकि यहां से चाहनी है तो पाकिस्तानी पीसी भेजते होंगे ना या कौन सा भेजते हैं? जी जी मैंने पाकिस्तानी रुपीज में खुलवाया हुआ है जी, पहले क्योंकि स्टार्टिंग में था देन 6 months हो गए ऑलमोस्ट मुझे इसमें। तो बहुत अच्छा रहा है कि ऑनलाइन भी जैज कैश भी इवन वालिद साहब का और उनका नंबर ऐड कर लिए हैं, वाले अब पूछ लेते जी आपको कितने पैसे चाहिए तो यहाँ से बैठे बैठे उनके अकाउंट में पैसे जो है उनके मोबाइल में भी रिचार्ज कर देते हैं बजाय उनको इधर उधर ख्वाहिश करने के। अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर पाकिस्तानी फॉर ओवरसीज स्पेशली। अच्छा इफ्तिखार साहब का कोई सवाल था वो भी पूछ लें। इफ्तिखार साहब आपका कोई सवाल था? अच्छा ठीक है सर, अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है पाकिस्तानी रुपी सर्टिफिकेट, इसके अलावा अपना अब्दुल अजीज साहब आप बता दें कौन कौन से ऑप्शन है, आपने क्या यूज किया हुआ है और कैसा है, कौन सी बेहतर है इसमें? इसमें बहुत सारी ऑप्शन है एक्चुअली, अगर लेकिन मैं थोड़ी मोटी मोटी आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि जो स्पेसिफिकली इसी के लिए ये जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं ये आरडीए अकाउंट्स के साथ इन्होंने स्टार्ट किए हैं। ये सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आपको कन्वेंशनल सर्टिफिकेट्स में मिलते हैं, शरिया कंप्लाइंट में मिलते हैं। इनमें आपको बेसिकली आपको US डॉलर फॉरेन करेंसी के भी मिल जाएंगे, फॉरेन करेंसी में डॉलर के पाउंड के यूरो के ये सब मिल जाएंगे और प्लस आपको रुपी में भी मिल जाएंगे। रुपी में जो आपको रिटर्न है बिकॉज अगर आप परेशान हैं कि डॉलर के अगेंस्ट जो रुपी डेप्रिशिएट कर जाएगा तो देन आप बड़े आराम से डॉलर में इन्वेस्ट करें, डॉलर में रिटर्न लें और जब आपको जरूरत पड़े तब आप उसको रुपयों में कन्वर्ट करवा लें। सो ये सबसे पहली ऑप्शन है। इसके अलावा आप अगर आपके पास रुपी अकाउंट है तो आप स्टॉक एक्सचेंज में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको करने के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और फिजिकली आपको ना बायोमेट्रिक देने की जरूरत है ना किसी और की चीज की जरूरत है। आप जो है वही ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग है, जैसे आपने आरडीए खुलवाया था वैसे ही ब्रोकर अकाउंट खुल जाएगा और आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे उसी के थ्रू। सो ये दो मेजर यू कैन से के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं इस वक्त। इसके अलावा टी बिल्स हैं, पीआईबीज वगैरह हैं, लेकिन जो रिटर्न है अगर अगर आपके पास ऑप्शन हो तो जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के रिटर्न सबसे ज्यादा हैं किसी किसी भी और सुकूक से या पीआईबी से या टी बिल से,
तो इसलिए आई वुड नॉट रिकमेंड दोस. अगर आपने करना है इन्वेस्टमेंट तो द बेस्ट ऑप्शन इज इधर गो फॉर नया पाकिस्तान, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो देन गो फॉर स्टॉक्स. स्टॉक्स के तो स्किल भी चाहिए ना थोड़ी सी. मैंने अकाउंट बनाया सीटीसी अकाउंट, लेकिन मुझे पता नहीं यूज कैसे करना है. बिल्कुल डेफिनेटली स्किल चाहिए, थोड़ी सी आपको नॉलेज चाहिए. उसके लिए मेरा ख्याल है कि वो जो हमने एक सेशन किया था उसका लिंक अगर आप दोबारा शेयर कर दें ताकि लोग अगर उसको देख लें तो उससे कोई हेड स्टार्ट मिल जाएगा. और दूसरी चीज ये है कि अगर आप बिल्कुल कंप्लीट लेमैन हैं तो आपको जो जिस ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाते हैं उनकी रिपोर्ट्स मिलती हैं, जस्ट लुक एट दोज रिपोर्ट्स. और उसमें कुछ अरसे के बाद, महीने दो महीने के बाद, एक रिपोर्ट ऐसी आती है जिसमें वो टारगेट प्राइसेस बता के अपने टॉप पिक्स बताते हैं, और वो जो टॉप पिक्स हैं बस वो खरीद लें. ये है एक लेमैन के लिए मेरी एडवाइस. और इसको भी अगर जरा ज्यादा बेहतर करते हैं करना चाहते हैं तो आप एक ब्रोकर के साथ अकाउंट नहीं खुलवाएं, दो या तीन खुलवा लें, और उन दोनों तीनों से जो रिपोर्ट्स मिलती हैं उनमें देख लें कि कॉमन टॉपिक्स कौन से हैं, और जिसको तीन अकलमंद लोग कह रहे हों कि इस स्टॉक को खरीद लो, उसको खरीद लें. ये बिल्कुल एक उस आदमी के लिए एडवाइस है जिसको स्टॉक्स का कुछ नहीं पता एंड ही स्टिल वांट्स टू डू समथिंग इन स्टॉक्स. अच्छा, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में करना है तो छोटी अमाउंट से करें, कि स्टॉक मार्केट का कोई आइडिया नहीं जैसा अभी पीक पे है, लेकिन ये काफी रिस्की है स्टॉक मार्केट, स्पेशली स्टार्टअप के लिए. सो जस्ट रिकमेंडेशन के छोटी अमाउंट से करें, कि खुदा खासा कोई लॉस भी हो तो एटलीस्ट वो आप अफोर्ड कर सके. ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये प्रूडेंट अप्रोच है कि जब तक आपको समझ ना आ जाए तब तक आप ज्यादा अमाउंट ना लगाएं. और दूसरी चीज, एक और मेरी एक जनरल एडवाइस ये है कि आप स्टॉक मार्केट में जब आप जाते हैं तो एज एन इन्वेस्टर इसमें जाइएगा, जो डे ट्रेडर के तौर पे ना जाइएगा. डे ट्रेडर जो है वो दे आर द वंस जो के लूज देयर मनी वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली. अकील, आपको कोई सवाल था आप यहाँ पूछ लें? नहीं, वो मेरा बेसिकली वो यूएसडी अकाउंट से रिलेटेड था. वो वैसे आंसर हो गया वो चैट के अंदर ही. थैंक यू वेरी मच अब्दुल. बेसिकली मेरा ख्याल है वो टारगेट अकाउंट पे होता है जिसमें आपने भेजना है, अगर वो डॉलर होना चाहिए शायद. वो मेरे ख्याल में वो चूंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का एक सेपरेट वेन्यू जनरली आ रहा होता है, प्रोबेबली आई थिंक इट इज लिंक्ड टू दैट. चलिए देख ले, पूछने तो पूछ सकते हैं अगर क्लियर करनी तुम्हारा तो. मेरा सवाल बेसिकली ये था कि चूंकि यहाँ से हम जो भी जनरली ट्रांसफर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने साहब से भी रिसेंटली जो कि एचएसबीसी है उससे ट्रांसफर किया था फॉर एग्जांपल फैसल में, तो नॉर्मली जनरली जो बेनिफिशियरी जैसे ही हम ऐड करने लगते हैं, बेनिफिशियरी की इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं इंटरनेशनल बेनिफिशियरी की, तो जैसे ही हम उसका कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो करेंसी जो है ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट कर लेता है पार्ट टू पीस, इट डज नॉट गिव यू चेंज ऑप्शन. तो वो मेरा सवाल इससे रिलेटेड था कि हाउ आप इसको कैसे करते हैं जनरली, जो लोग यूएसडी अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं या यूएसडी अकाउंट यूज कर रहे हैं फॉर ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन. आई डोंट नो आपको ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है. मेरा भी साहब में अकाउंट है और मेरे मैंने तो पाकिस्तान में डॉलर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ बड़ी देर से, और अभी रिसेंटली भी मैंने अपना नया जो आरडीए वाला अकाउंट है वो भी ऐड किया है. नहीं सर, तो, जब आप बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो आपको ऑप्शन देता है कि बेनिफिशियरी की क्या करेंसी होगी? मेरा वो ये सवाल है इसका बेसिकली. हाँ बिल्कुल ऑप्शन देता है, वो ऑप्शन देता है इवन पाकिस्तान के साथ, तो आपको ऑप्शन देता है कि आप डॉलर पिक कर लें. मेरा ख्याल है अकेले आप मिस करते होंगे, मुझे पूरे चेक करना पड़ेगा बिकॉज़ मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या ओवरलुक, सो आई विल चेक इट आउट. ओके, किसी का सवाल है इन्वेस्टमेंट के हवाले से? मैडम अगली लास्ट स्लाइड पे चलते हैं जहां इसका रिटर्न शो करेंगे हम इसका. जी सर, ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के लिहाज से हमें यूएस डॉलर में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या पीकेआर में? कि इतना तो मैंने थोड़ा पता करवाया कि 5000 यूएस डॉलर्स आपका मिनिमम वो है आप सर्टिफिकेट परचेज करने के लिए. और कुछ मतलब दोस्तों से मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि 3 months, 6 months, 9 months अगेन मेरे ख्याल से पूरे साल के लिए भी कर सकते हैं, बट द बेस्ट ड्यूरेशन अगेन कि कितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है 3 months, इट्स बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट एंड देन सी.
अच्छा नहीं सॉरी मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपना बता देता हूँ आपको, फिर अपने सब बता देते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने 6 माह के लिए 2 लाख किए थे मैंने, आप 1 लाख से भी कर सकते हैं, 2 लाख से भी कर, मैंने 2 लाख किए थे 6 माह के लिए। तो सर जी ये यूएस डॉलर या पीकेआर में? मैंने पीकेआर में 2 लाख डॉलर होते तो क्या ही बात थी, इंशाल्लाह अल्लाह देंगे। तो 2 लाख पीकेआर में किया था, तो 6 माह का उसका प्रॉफिट आया था, 8,800 प्रॉफिट उसका आया था मेरे पास। ये पर मंथ का बता रहे हैं या वो? ये 6 माह का है, 8,800 6 माह का, 6 माह ये तो बहुत कम है, बहुत ही कम है। क्योंकि सर सर ये मैं वो कैलकुलेशन कर दूं कि 6 माह की आई थिंक है 8% है, शहजादे मैं सही बता रहा हूँ आप के 9% है के सामने टेबल मैंने खोले, ये मिजान का ही है। हाँ नहीं नहीं वो स्टैंडर्ड है मार्केट का और ये बहुत अच्छा रेट है, दिस इज वेरी, आप जो पर इट इज नॉट पर मंथ रेट, इट इज ऑलवेज एपीआर पर एनम पर ईयर रेट, एग्जैक्टली। सो आप उसको हमेशा जो है डिवाइड करके कैलकुलेट करें। अच्छा इसमें मैं एक चले पहले जी शिजा भी आप कंटिन्यू करें, सॉरी ये टेबल मेरे सामने खुला हुआ, यहाँ से आप टेबल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये 6 मंथ का देख रहे हैं 10% होता है एक्सपेक्टेड। जी तो मेरा 10% से थोड़ा कम था, मैं तो समझता हूँ वो आम से ज्यादा है, ठीक है, तो लेकिन डॉलर में वो ज्यादा से थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन ये तो पीस में था और मेरा इस्लामिक वाला भी था, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। नहीं नहीं मैं अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं, बेसिकली जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 2 चीजें होती हैं। पहली चीज ये है कि जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है उसमें रिस्क ज्यादा होता है और पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न भी ज्यादा होती है, और जब आप रिस्क खत्म कर देते हैं तो ऑब्वियसली रिटर्न कम हो जाता है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप जितनी ज्यादा देर के लिए पैसे ब्लॉक करते हैं उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो बेसिकली इस टेबल में अगर आप देख रहे होंगे कि अगर आप 5 साल के लिए ब्लॉक करें तो आपको 11% रिटर्न मिलता है, और ये 11% रिटर्न पर ईयर है। जो 3 और 5 साल के जो बॉन्ड्स अगर आप लेंगे या सर्टिफिकेट्स लेंगे तो व्हाट हैपेंस इज के आपको वो 6 मंथली पे करते हैं, तो व्हाट यू गेट इज के लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 5 साल का बॉन्ड लिया है तो पहले 6 महीने में आपको 11 multiply by 0.9 divided by 2 इतना multiply by your investment account, ये आपको total मिलेंगे। अब ये 0.9 क्या है? 10% withholding tax जो के आपके किसी भी profit से deduct किया जाएगा और वो आपकी full and final liability है और उसके बाद you don't have to pay anything else। So ये है आपका रूपी पे। So अगर आपके पास पैसे ज्यादा देर के लिए हैं तो I would suggest के उसको ज्यादा देर के लिए block कर दें और आप विड्रॉ कर सकते हैं जब भी आपका दिल चाहे। दूसरी चीज यह है कि आपका सवाल यह था कि डॉलर में करें या रुपयों में करें, इट्स ऑल अप टू यू। डॉलर में करेंगे तो आपको हेज कर रहे हैं अगेंस्ट अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। आप ये देखें कि अगर 5 ईयर्स का ही मैं ले लूं तो डॉलर का जो रिटर्न है वो 7% है और रुपी का रिटर्न इज 11%, विच मीन्स के 4% का डिफरेंस है बिटवीन डॉलर एंड रुपी। मेरा अपना जो एनालिसिस है प्रीवियस ईयर्स का, जो आपका डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है ऑन एन एवरेज बिटवीन 5-6% पर ईयर, सो अगर वो 5-6% है तो इट्स बेटर कि आप डॉलर लें ताकि आप सिक्योर डॉलर लें और डॉलर को इन्वेस्ट करें ताकि आप सिक्योर हो जाएं अगेंस्ट एनी रुपी डेप्रिसिएशन, और जो जब आपको जरूरत हो तब उसको कन्वर्ट करें। जी अब्दुल भाई यही मैं जानना चाह रहा था। और दूसरा क्योंकि पाकिस्तानी रुपीस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज्यादा, अब 140 से आई थिंक सॉरी अभी 46 पे शायद चल रहा है या 45 पे, सर 168 पे ओपन मार्केट में पाक रुपी टू डॉलर। अच्छा मैं एडी वो कर रहा था, अच्छा एडी 45 है। जी जी अच्छा चले, इसमें मेरा जो ओपिनियन है कि जो अलीम भाई ने भी बात की है कि ऑन द एवरेज 5% होता है, कि पिछले साल एक्सेप्शन थी कि उसमें अप्रिशिएट हुआ पाकिस्तानी रुपी कि वो 168 से 152 पे चला गया था, लेकिन इस साल अगेन दोबारा से वो 152 से 168 पे पहुंच गया है, तो इट्स मोर देन 5%। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि जी अगर स्पेशली आपने लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो डॉलर रिकमेंड किया जाता है, अगर आपका है कि आपने कोई शॉर्ट टर्म है तो फिर थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली डॉलर बहुत बेहतर रहता है।
और स्पेशली जो अब ऑप्शन दिए कि आप वहां से डॉलर इन कैश भी करवा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप ओपन मार्केट से इन कैश करवाएं, आपको काफी अच्छा रेट मिल जाता है। और अच्छा एक और चीज जो मेन फैक्टर है, जिस तरह शहजाद भाई ने अपने एग्जांपल दी, तो मैं शहजाद भाई की एग्जांपल कोट करता हूँ कि उन्होंने 2 लाख इन्वेस्ट किया, बेस ऑन दिस टेबल उनको जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो 10,000 आना चाहिए था, लेकिन बेसिकली वो 8,000 आए। 8,000 इसलिए आया है कि उसमें 10% विदहोल्डिंग टैक्स डिटेक्ट होता है, तो वो स्ट्रेट अवे 9,000 पे चले जाता है, 10,000 का 10% 1,000, और आई थिंक थोड़ा बहुत एक और अमाउंट थी मुझे ज़हन से निकली वो कितनी परसेंटेज है, तो इस वजह से इन्हें 8,800 शायद इन्होंने बताया वो अमाउंट मिली है। डॉलर के केस में विदहोल्डिंग टैक्स नहीं डिटेक्ट होता, सो बेसिकली जो 10% है ये बाय डिफॉल्ट 9% पे आ जाता है, तो ये 9% और 6% 3% का डिफरेंस आ जाता है, सॉरी डॉलर का वो अच्छा नहीं 6% ये चले गुड, तो 3% और 3% डॉलर का भी विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है। अच्छा मुझे किसी ने कहा था नहीं होता। अच्छा नहीं, अच्छा, मैं आपको विद एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है सॉरी, लेकिन सॉरी मुझे था कि शायद नहीं होता, तो ठीक है, तो वो एक डिफरेंस फिर वो निकल जाता है विदहोल्डिंग टैक्स का भी, फिर ठीक है फिर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली रिकमेंड, मैं सजेस्ट करूंगा कि इट शुड बी डॉलर, स्पेशली आप 1 ईयर में देख सकते हैं कि आपका आई थिंक 10% से ज्यादा डिप्रिशिएट हुआ है पाक रुपी, बल्कि इनफैक्ट 3 मंथ्स में। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है और वरना हम सेशन क्लोज करें, आई थिंक वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग नाउ। एक और मेरा एक सवाल, इन केस जैसे हम यहाँ से अपनी HSBC या Emirates NBD बैंक से US डॉलर्स में ट्रांसफर करते हैं, सो इज देयर एनी चांस कि हम वो US डॉलर्स दोबारा से AED में कन्वर्ट करें अपने RD अकाउंट से? जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बेसिकली एक पूरा साइकिल कंप्लीट किया था जब मैंने खुलवाया था, तो बेसिकली व्हाट आई डिड इज आई सेंट मनी इन डॉलर्स, और उसके बाद जो है डॉलर से फिर उनको रुपो में कन्वर्ट कराया, रुपो से इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट्स वापस रिडीम की, उससे वापस डॉलर में कन्वर्ट किया, और उन डॉलर्स को वापस सऊदी अरेबिया में रियाल अकाउंट में मैंने रिसीव कर लिया। सो आई कंप्लीटेड अ होल साइकिल एंड इट वर्क्ड वेरी वेल विदाउट एनी प्रॉब्लम। थैंक यू अब्दुल भाई। अच्छा एक किसी ने जनरल क्वेरी की थी, यानी कि ये लेट्स से गवर्नमेंट चेंज होती है तो क्या जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो क्या कुछ रिवर्ट कर सकती है चेंजेस? तो बेसिकली ये चीज क्लियर करनी थी, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है, ठीक है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, बट बेसिकली स्टेट बैंक अनलेस स्टेट बैंक कोई पॉलिसी चेंज करे तो आई होप इट विल वर्क फाइन। डेफिनेटली इसमें एक तो पाकिस्तान ने मिस्टेक किया, दोबारा नहीं वो करेंगे इंशाल्लाह, और इसमें स्टेट बैंक खुद इन्वॉल्व है तो और काफी वो उसको देख रहे हैं, और इसको देख आप देख रहे हैं ना, जैसे मैंने दिखाया आपको स्क्रीन थोड़ी देर पहले कितने उसने नए फीचर्स ऐड कर दिए हैं, स्टार्टअप तक बेहतर इम्प्रूविंग एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह, और सर्विस भी अभी तक डाउन नहीं हुई इनकी, मतलब ये नहीं आप कह सकते कि जी उनके सर्विस डाउन हो गए या उन्होंने कोई आपको डिले किया रिस्पॉन्स करने में, टोटल पाकिस्तान रेमिटेंस सेंड की है, तो 10% इट्स अ गुड अमाउंट, क्योंकि नॉर्मली पहले होता था लोग प्रॉपर्टी के लिए या फिर जो नॉर्मल फैमिली की टेक केयर के लिए भेजते थे, बट एक किस्म का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये विन विन सिचुएशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी और जो एक्सपेक्टेड्स हैं, कि मैं यूएई में होता तो यूएई में इस वक्त बैंक्स मैक्सिमम 2% तक देते हैं, 2% में बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ, 2% से ज्यादा नहीं मिलता, तो 7% आपको डॉलर 7% डॉलर तो इट्स अ बिग थिंग, और जो फीचर्स भी हैं कि स्पेशली जब एज अ पाकिस्तानी हमें एक इशू आता था कि जी ठीक है जी आप पाकिस्तान रुपये में खुलवाते हैं तो वो वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती, तो ये है कि आपका वो एक किस्म का हैजिंग हो जाती है अगेंस्ट विद डॉलर, तो वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है, और प्लस ये जो आप एडिशनल बेनिफिट स्टार्ट कर रहे हैं कि ये अपना घर का हो गया या वो कार फाइनेंसिंग का भी है, तो इट्स अ गुड स्कीम के जो रेट है
कि अगर पाकिस्तान में 10% अगर देखा जाए तो इतना बुरा नहीं है कि पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए कि इतना 5% तो आपने ऑलरेडी डिस्कस की थी, वो तो आपका रुपी डिप्रिशिएट हो जाता है, तो काफी अच्छे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है इस वक्त। ओके जी, अब मेरे ख्याल सेशन क्लोज करते हैं, माशाल्लाह घंटा हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल हमने पूरे टॉपिक्स को कवर कर लिए, कुछ सवालों का भी साथ साथ हमने कवर कर लिया, अगर किसी का भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, वरना मैं सेशन क्लोज करने लगा। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? फिलहाल आपको कोई सवाल है? जी जी, मैंने ऐड करना है कि ये स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया गया है उसमें फैसल में मेरा है तो उसको एक्सप्लोर कर रहा था, तो उसमें उन्होंने लिमिटेशन ये लगाई थी कि आप ओनली इस्लामिक शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं, मतलब इस तरह बैंक्स में कन्वेंशनल और इस्लामिक है, इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी जो स्क्रिप्ट हैं, जो आइटम्स हैं, वो कन्वेंशनल और इस्लामिक दोनों कैटेगरीज में आती हैं। तो जो इस्लामिक अकाउंट के थ्रू फैसल ने ऑफर किया था वो कह रहे थे कि आपकी जो ट्रेडिंग है वो लिमिटेड होगी इस्लामिक आइटम्स तक। सर, इट मेक्स सेंस, क्योंकि जो इस्लामिक अकाउंट है वो आपका सिर्फ जिस तरह एग्जांपल दी है कि जो इस्लामिक अकाउंट्स है वो क्रेडिट कार्ड पे इशू नहीं करते, वो सिर्फ डेबिट कार्ड पे ही आपको मैक्सिमम देते हैं, तो इस्लामिक कार्ड में ये आप एक्सपेक्ट करें कि वो फिर इस्लामिक शेयर्स ही अलाउ करेंगे आपको। और इस पे मैं जरा ऐड कर दूं कि अगर आपने देखने हैं कि कौन से शेयर्स अलाउड हैं तो आप KMI ऑल इंडेक्स देख लें, उस KMI कराची मिजान इंडेक्स है बेसिकली, उसमें जितने शेयर्स हैं जो कि बहुत सारे हैं उसमें आप ट्रेडिंग कर सकेंगे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। ठीक है सर, मैं सेशन क्लोज करता हूँ, शुक्रिया बहुत बहुत अतुल अलीम। सॉरी लास्ट थिंग अलीम भाई, एक क्वेश्चन, क्योंकि आप स्टॉक्स में डील कर रहे हैं, मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने दो ब्रोकर्स के साथ AKD और AHL के साथ अकाउंट खुलवाया था। अब हुआ ये कि आफ्टर लाइक फाइव मंथ्स CDC ने ये कहा कि RDA के साथ आप सिर्फ एक अकाउंट रख सकते हैं, सो बल्कि वो पहले भी यही था, वो सिक्योरिटीज अगर मैं एक को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था तो सिक्योरिटीज वो एक से उठा के दूसरे में, क्योंकि सिक्योरिटीज अल्टीमेटली CDC के पास रहती है, लेकिन वो उठा के उन्होंने AKD में ट्रांसफर कर दी, बट इट वाज ओके। तो बाद में फिर अल्टीमेटली उन्होंने AKD को जितना भी था वो लिक्विडेट करके उसको क्लोज करके देन इट AHL पे शिफ्ट कर दिया। आई डोंट नो कि आप मल्टीपल ब्रोकर्स को कैसे इस तरह से रिटेन कर सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, RDA के साथ आप एक खुलवाएं और जब आप पाकिस्तान जाएं तो दूसरे ब्रोकर्स के साथ कन्वेंशनल अकाउंट खुलवा लें फ्रॉम योर नॉर्मल पाकिस्तान अकाउंट। सही, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, और विश यू ऑल द बेस्ट। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा मजा आया, तो अपना तो पूरा एक्सपीरियंस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब जिसका किसी का नहीं है, किसी ने खुलवाया है तो चलो किसी को इसका बेनिफिट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी, ओके सी यू अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।